मैं दीपिका सिंह प्रयागराज से आज आप सभी के बीच में आज के इस प्रोग्राम की होस्ट। और मैं अपना परिचय बता दूं तो मैं प्रयागराज से हूँ और डॉक्टर नेचर को मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। और आज इस संस्था में मैं एक सिल्वर होता है, सिल्वर के लेवल पे हूँ मैं। और आज मुझे ड्यूटी मिली हुई है कि आज जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन के जो हमारे रचयिता है क्राउन फैक्ट्री के, और अभी जो आपने वीडियो देखी डॉक्टर नेचर का पूरा मैनेजमेंट देखा आपने, कैसे हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी, उसके साथ ही जो आपने सबसे पहले वीडियो देखी डॉक्टर नेचर के हीरो, लास्ट अभी हम लोगों ने कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और वहाँ के जो प्रोग्राम के जो हीरो रहे हैं मिस्टर सनी सिंह जग्गी, आपने उनको देखा, तो संस्था में आकर के कैसे वो इतने ज्यादा चमकदार हो गए, कैसे वो एक हीरो बन गए, कैसे वो एक ब्रांड बन गए, वो आज आपको जानने का मौका मिलेगा। और मे बी 45 से 50 मिनट आप जहाँ भी हैं आपको सीरियसली होकर के बैठना होगा, पेन डायरी लेकर के आप बैठिए और चीजों को समझिए। और समझने के बाद अगर आज आप पहली बार इस मीटिंग में आए हुए हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया हुआ है, तो आप उनसे जरूर मिलिए और संस्था को जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। अब मैं बात करती हूँ जो हमारा जो आज का प्लान है जो आपको प्रेजेंट करने वाले हैं मिस्टर ब्रिजेश मौर्या जी की। ब्रिजेश मौर्या जी की बात करें तो बिहार से बिलोंग करते हैं ये, और इनको ट्रेडिशनल मार्केट का काफी अच्छा, काफी सालों का अनुभव रह चुका है। ट्रेडिशनल मार्केट के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा अनुभव रह चुका है। इनकी अगर हम बात करें ब्रिजेश मौर्या जी की, तो एक बहुत ही सीधे साधारण व्यक्तित्व है, जिनको देख करके लगता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है। मतलब इतने सीधे लोग भी कर सकते हैं और इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा होर हल्ला शोर शराबा चल रहा होता है, डांस मस्ती, तो उनके कैरेक्टर में ये चीजें नहीं आती। तो इससे ये पॉसिबल, ये समझ में आता है हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। जैसे आपने देखा हमारे जो हीरो हैं सनी सिंह जग्गी, हाई स्कूल पास, अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की लड़कियां कभी भी किसी हाई स्कूल पास आदमी से शादी करने के पहले 50 बार सोचेंगी शादी की जाए या ना की जाए। और ऐसा व्यक्ति तो आज डॉक्टर नेचर का हीरो बन चुका है। 1-1.5 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार कमा रहे हैं, बहुत बड़ा पे आउट ले रहे हैं, और ना सिर्फ खुद पे आउट ले रहे हैं, पूरे एंटायर टीम ले रही है। इनके जो गुरु महागुरु हैं आज वो आपको सिखाएंगे कैसे डायमंड बनते हैं, कैसे अपने आप को तराशा जाए और किस तरीके से आप अपने घर की इनकम को, अपने घर की बीमारियों को, सारी चीजों को ठीक करते हैं। क्योंकि डॉक्टर नेचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ आपको इनकम देती है, इनकम के साथ साथ आपकी बहुत सारी समस्याओं का ये हल है। इनकम तो आप कहीं भी है कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने इनकम से संतुष्ट भी होंगे, बट डॉक्टर नेचर ही क्यों करना है, क्यों इसको समझना है, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है आज हमारे समाज में बढ़ती हुई बीमारियां। बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही, इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर कोई, कोई अपने बच्चे से, कोई अपनी बीवी से, माँ से, कोई ना कोई डिजीज हमारे घर में आज फैली हुई है। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर नेचर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जब बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी और घर में मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, मनी की वर्षा होगी, तो जाहिर सी बात है हम और ज्यादा फिट हो जाएंगे और ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी हो जाएगी। तो आज के जो प्लान प्लान प्रेजेंटेशन है जो आपको आज प्लान दिखाने वाले हैं मिस्टर ब्रिजेश मौर्या जी, ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग का एक निचोड़ लेकर के आएंगे। वो अपना अनुभव बताएंगे किस तरीके से उन्होंने अपने आपको इतने सालों से बिजनेस में दिया, उसके बाद इन 1 साल में ऐसा क्या हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में जो आज वो 3.5-4 लाख का पे आउट रेगुलर उठा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज होती है, एक होता है बोलना बोलना, एक होता है करके दिखाना। तो क्राउन फैक्ट्री ने ये करके दिखाया, डे 1 से डॉक्टर नेचर का जो बहुत बड़ा ब्रांड है वो क्राउन फैक्ट्री है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भी क्राउन फैक्ट्री और क्राउन फैक्ट्री के बीच में हम सारे बच्चे जरूर रंग लाएंगे और लगातार करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी के बीच में, आप जहाँ भी हैं, जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करेंगे मिस्टर ब्रिजेश मौर्या जी। सर वेलकम है आपका, मैं उनको प्यार से भैया बुलाती हूँ, मेरे भैया ही है बट मीटिंग है इसलिए सर प्लीज कम ऑन द वेबिनार। थैंक यू वेरी मच दीपिका थैंक यू भैया। जी। मेरी आवाज मिली आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, थैंक्स ए लॉट दीपिका जी, बहुत बहुत आभार मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारे सभी साथियों को नमस्ते नेचर, नमस्कार। अभी मैं मीटिंग का टाइम हो गया, घर नहीं पहुंच पाया, तो मैं एक जगह मीटिंग लेने आया था, तो वहीं पे एक जगह तलाश ली है, यहीं से मैं सारे लोग को आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। जैसा कि अभी दीपिका जी ने मेरे बारे में बताया, और उससे पहले सनी सिंह जग्गी जी, जो कि हमारे पिछले 1 साल के हीरो रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी परिस्थितियों के बावजूद और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा एक रेस्पेक्टेड जो लेवल है, डायमंड लेवल, उसको अचीव किया है और अपनी इनकम को जो है 1 लाख प्लस के ऊपर लेकर गए हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरे हमारा ये मार्केटिंग प्लान कैसे है, जो कि आज मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा।
मेरा नाम ब्रिजेश मौर्या है और मैं बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले का निवासी हूँ। आज से 12 साल पहले मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया था। आयुर्वेदिक उत्पादों का होलसेल का मेरा कारोबार है, जैसे डाबर, पतंजलि, हिमालय, ऐसे बहुत सारी कंपनियों का मैं होलसेल करता रहा हूँ। और संयोगवश आज जो कंपनी का प्लान आप सुनने वाले हैं, डॉक्टर नेचर वेलनेस कैरियर अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में आप समझने वाले हैं, मेरी भी कैरियर की शुरुआत आज से 12 साल पहले इसी कंपनी से हुई थी। अब आप सोचेंगे कि ये कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई है साल भर पहले, तो मैं 12 साल पहले कैसे शुरू किया? तो डायरेक्ट सेलिंग में ये कंपनी अभी स्टार्ट हुई है पिछले साल, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर थ्रू MR, थ्रू डॉक्टर्स, ये कंपनी पिछले काफी सालों से काम कर रही है, 15 सालों से काम कर रही है। और 2010 में मेरी लाइफ की पहली कंपनी रही जहां से मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। मैंने होलसेल, सबसे पहला जो होलसेल करना शुरू किया था, वृत्तिका हर्बोटेक, जो कि डॉक्टर नेचर वेलनेस की मदर कंपनी है। और यहाँ से करते हुए और लगभग 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मैं पिछले 12 सालों से ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 8-10 साल देने के बाद मुझे ये फील हो गया था कि जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ उसे एक एक आमदनी तक तो मैं पहुंच गया, लाख 1.5 लाख रुपए की आमदनी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उससे आगे जो कंपटीशन है और जो सारी चीजें हैं उससे आगे मैं लाख मेहनत करके भी दिन रात लगा हुआ हूँ, कहीं घूमने नहीं जाता, कुछ भी पूरी तरीके से डूबा रहा था, लेकिन उस इनकम से ज्यादा मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। मैं अपने टर्नओवर के और ज्यादा जो है मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो फाइनली जो है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। सुपर थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं ये ऐसा देख रहा था कि पिछले 8-10 साल काफी मेहनत करने के बाद मैं अपनी इनकम को और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो एक बात बिजनेस में एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो चाहे आपका इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी हो, सब कुछ खेल है टर्नओवर का। जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी आमदनी होगी। डॉक्टर नेचर का प्लान पिछले साल मुझे पता चला, चूंकि मैं कंपनी से पहले से जुड़ा हुआ था, और जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि कंपनी वही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स वही हैं, क्वालिटी वही है जिसके दम पे मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गई है, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैं 50 लाख रुपया लगा के लाख 1.5 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ऊपर वाले ने मुझे मेरे सामने प्रस्तुत की है कि यहाँ से मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना आगे रिस्क उठाए, मैं बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी बात समझ में आई, और पिछले साल जो है कंपनी की स्टार्टिंग से मैं मेरा सफर शुरू हुआ। और अपने महागुरु के साथ, जैसा दीपिका जी ने बताया, क्राउन फैक्ट्री के नाम से हमारी IT है जिसमें महागुरु का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, JP शर्मा सर का। और पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो आपको सुनकर ताजुब होगा कि पिछले 12 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बाद 50 लाख लगा के मैं 1.5 लाख की आमदनी कर रहा था, और पिछले 1 साल में, वो भी स्टार्टिंग के सबसे पहले साल के अंदर, मेरी जो टोटल अर्निंग है यहाँ से 32 लाख प्लस की है, मोर देन 32 लैक्स। यानी कि एवरेज भी निकालेंगे तो लगभग जो है 3 लाख के आसपास का एवरेज भी आएगा। पहले साल में लगभग हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए के आसपास की इनकम, हमने मंथली एवरेज इनकम की टोटल 32 लाख से ज्यादा का इनकम की, और वर्तमान में लगभग 3.5 लाख रुपए की एवरेज इनकम मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हुई? एक नॉर्मल मैं आर्ट्स ग्रेजुएट ग्रेजुएट हूँ, और उसके बावजूद ये जो सफर रहा मात्र 1 साल का, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपके बीच में भी, हमारे बीच में भी आज बहुत सारे, मोर देन 260, बहुत अच्छी बात है, 260 से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से आज इस मीटिंग को देख रहे हैं। तो आप हो सकते हैं सैलरी बैकग्राउंड से हो, आप हो सकते हैं स्टूडेंट्स हो, आपका बिजनेस, आपका भी बिजनेस बैकग्राउंड हो, लेकिन आप सभी भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर और किस तरीके से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे मेरा सपना पूरा हुआ, हमारे हमारे मित्र सनी सिंह जगजीत जी का सपना आज पूरा हुआ, मात्र 1 साल में आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आपकी भी फिल्म, आपकी भी कहानी पूरी पूरी दुनिया देखेगी। ये दिन, ये चंद कुछ महीने में इस प्लान के दम पर आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हमारा जो प्रपोजल है, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दीजिए, पूरी तरीके से आप स्क्रीन पे कंसंट्रेट होइए। और अगर आप प्लान डिटेल में समझना चाहते हैं तो डायरी पेन जरूर ले लीजिएगा। और अभी मैं जो अगले 40-45 मिनट आपको जो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी यहाँ पे जिंदगी बदल सकती है, जिस तरीके से हमारी बदली, और आज एक डॉक्टर नेचर वो कंपनी बन चुकी है जिसने मात्र पहले साल में
कई मिलेनियर दिए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लाख प्लस की आमदनी कर रहे हैं, सिर्फ एक दो लोग नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा चंद कुछ महीनों में हो सकता है, एक साल के अंदर हो सकता है, अगर हमारे साथ हुआ है तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आपके सामने दिखा हुआ है कि बिजनेस प्लान वे टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी संस्था को समझने के लिए सबसे पहले उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को समझना होता है। तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर सर की अगर मैं बात करूं तो हमारी संस्था के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहे वो वृत्तिका हर्बोटेक हो जो 15 साल से चल रही है जिसके द्वारा मैं जुड़ा हुआ था, चाहे एक साल पहले डायरेक्ट सेलिंग जो स्टार्ट हुई है डॉक्टर नेचर वेलनेस, जो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री टीपी तिवारी, तारा प्रकाश तिवारी जी। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपने एग्रीकल्चर से एमएससी किया हुआ है, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट से आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, साथ ही साथ आपने नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस से भी पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट यानी कृषि वैज्ञानिक के तौर पे आपने भारत सरकार में सेवाएं भी दी हुई है, लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, आप अपने हिसाब से करना चाहते थे, कुछ क्रिएटिविटी के साथ कुछ लोगों को देना चाहते थे, तो आपने जॉब से रिजाइन किया और आपने खुद की फार्मिंग स्टार्ट की, और बाद में चलकर 2007 में अपनी स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की वृत्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और आज आपकी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीकों से आज आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे इंडियाना एग्री बायोटेक, वृत्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वनीसा ऑर्गेनिक, वृत्तिका खादी ऑर्गेनिक, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से आज जो है इस्टेब्लिश है। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी कंपनी की जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर नेचर वेलनेस की स्थापना पिछले साल हुई थी 6 फरवरी 2021 को, जो कि ड्यू टू कोविड इसकी लॉन्चिंग हुई थी 15 अगस्त 2021 को, यानी कि आज एक साल हो चुके हैं कंपनी को लॉन्चिंग हुए काम करते हुए। वृत्तिका हर्बोटेक जो कि इसकी मदर कंपनी है, जिसका शुभारंभ 2007 में हुआ था, जो कि आयुर्वेदिक वेलनेस हेल्थ केयर केमिकल फ्री पर्सनल केयर प्रोडक्ट और साथ में FMCG प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है। ओन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ओन R&D एंड ऑल्सो ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट जयपुर एंड हैदराबाद। कंपनी का अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग है, साथ ही साथ कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कंपनी का स्वयं का है, कुछ भी बाहर से नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैंने यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जयपुर और हैदराबाद के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो अभी जस्ट आपने हमारा जूस मैन्युफैक्चरिंग एरिया का आपने वीडियो भी देखा कि कितनी हाइजेनिक तरीके से हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हुए किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हम सिर्फ आपको बता नहीं रहे हैं बल्कि आपको ऑलरेडी मीटिंग शुरू करने से पहले आपको वीडियो भी दिखाया और आगे भी बहुत सारी चीजें आपको हम लोग दिखाते चलेंगे, क्योंकि आज हमारे पास है तो हमें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। वृत्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हर्बल जूसेज इन इंडिया। जूस फॉर्म में जितने भी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट आते हैं, सोरस जूस फॉर्म में, उसमें ये भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, भारत के बाहर एक्सपोर्ट करने वाली और इंडियन मार्केट के अंदर काम करने वाली। उसके अलावा जो है भारत के जितने भी बड़े ब्रांड हैं लाइक डाबर, वैद्यनाथ, हिमालय, पतंजलि, झंडू, जितने भी बड़े ब्रांड हैं जो भी आप जानते हैं, मैक्सिमम ब्रांड हमारी कंपनी की क्लाइंट रह चुकी है, थर्ड पार्टी हमारी कंपनी से प्रोडक्ट वो बनवा चुकी है या आज भी बनवा रही है, जैसे डाबर वैद्यनाथ को आज भी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनी से होता है। उसके बाद जो आगे हम बात करें, 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कई दिग्गज कंपनियां हैं जो हमारे से प्रोडक्ट बनवा चुकी हैं। कंपनी 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है, पिछले 7-8 वर्षों से 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। यूके और रशिया के अंदर कंपनी अपने खुद के ब्रांड को पिछले कई सालों से प्रमोट कर रही है, कई सारी फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत सारे आउटलेट्स पे जो है कंपनी के विदेशों में भी प्रोडक्ट उपलब्ध है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वो सारी चीजों को कंपनी फुलफिल करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वृत्तिका हर्बोटेक 15 सालों से काम कर रही है, तो अभी तक पिछले 15 सालों के आधार पर बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और पिछले एक साल का जो डॉक्टर नेचर का जो सफर रहा, ये बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। कुल चंद पुरस्कार मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है क्वालिटी ब्रांड इंडिया अवार्ड, भारत उद्योग रत्न अवार्ड, ऐसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम की तरफ से हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। उसके अलावा आपका प्रोमिसिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द ईयर इन आयुष एंड अल्टरनेटिव का भी अवार्ड आपको मिल चुका है एशियन अफ्रीकन लीडरशिप फोरम की तरफ से। उसके अलावा इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर 2022 का भी माई ब्रांड बेटर की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस
भी अवार्ड मिल चुका है, वो भी इडरा के तरफ से, जो सरकार से जुड़ी हुई एक इकाई है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से। साथ ही साथ ग्लोबल बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड 2022 भी मिल चुका है। मोस्ट इनोवेटिव नेचुरल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2022 जो कि जो है टॉप नोक फाउंडेशन की तरफ से मिल चुका है, जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी एक्सीलेंस अवार्ड भी आपको हाल ही में मिला है, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी का भी अवार्ड अभी जस्ट एक दो महीने पहले भी मिला है। और मुश्किल से अगले एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं कहूंगा, 15 से 20 दिन के अंदर हमारे सीएमडी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर को जो है ब्रिटेन में इनवाइट किया गया है। ब्रिटेन की संसद में एक बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा अवार्ड एक मिलने जा रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया जाएगा टीपी तिवारी सर को बहुत जल्दी। उसके भी वीडियोज और फोटोग्राफ आपको दिखेंगे, ज्यादा दिन नहीं, सर का जो है 26 तारीख से 3 तारीख के बीच में सर का ब्रिटेन का टूर है, वो भी चीजें आपको दिखेंगी। आगे हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं जो काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए जरूरी होती है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं, वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया का हमारा फोटोग्राफ था, ऑलरेडी वीडियो आपने देखा। उसके अलावा ये जो हमारा फार्मिंग होता है कंपनी का, जो डायरेक्ट किसानों से कंपनी लेती है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप समझे इसको, तो फार्म टू कंज्यूमर, यानी कि जड़ी बूटी की खेती से लेकर कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फार्म टू कंज्यूमर, जड़ी बूटी की खेती से लेकर ग्राहक के हाथ में पहुंचाने तक का जितनी भी बीज की प्रक्रिया है वो सारा कुछ कंपनी खुद करती है, कहीं पर भी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे फार्मिंग है, चाहे आरएनडी है, चाहे बोटलिंग है, चाहे रैपर की बात हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कंपनी स्वयं करती है। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद जो है आवर आरएनडी टीम की अगर बात करें तो डॉक्टर रामपाल सोमानी, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही आपको सिलेक्ट किया गया है, इंडियन फार्माकोपिया के आप सदस्य हैं। उसके अलावा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी सर, जो कि हमारे टीपी तिवारी सर के पिताजी भी हैं, डॉक्टर पंकज सिंह जो क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर हैं, ये सारे हमारे आरएनडी टीम का हिस्सा हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हमें ट्रेनिंग देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स की भी टीम है, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर रीता अग्रवाल, डॉक्टर नताशा यादव, डॉक्टर संध्या सिंह, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स की भी टीम है। उसके अलावा डोमेस्टिक क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे भारत के प्रचलित ब्रांड है जिनको हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है, जैसा कि फोटो में दिख रहा होगा, आज आप सोशल मीडिया पर डालेंगे तो सब कुछ आज अवेलेबल है, लोगों ने फैक्ट्री की प्रोडक्ट बनते हुए रिकॉर्डिंग की है, जैसे बैद्यनाथ के कुछ प्रोडक्ट, डाबर के कुछ प्रोडक्ट, डाबर का आयुष स्क्वाड, डाबर का आंवला जूस, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी से बनते रहे हैं। उसके अलावा भारत के बाहर जो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे हमारे एग्जीबिशंस लगते हैं, जो जो कंपनियां, जो लोग हमारे इंडिया से जड़ी बूटियों को, हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती हैं, तो हमारे टीपी तिवारी सर के साथ ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई जापान का है, कोई रसिया का है, अलग अलग देशों के ये सारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे, हमारे से इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। ये कुछ एग्जीबिशंस के, जापान के, रसिया के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी हमारे टीपी तिवारी सर के द्वारा जो है सोशल एक्टिविटीज भी बहुत सारा किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मार्केटिंग को लेकर, जो है आगे हम प्लान को लेकर बात करते हैं। हमारा जो कंपनी का, अभी तक हमने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए उसके 3 P को समझना होता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट का सिस्टम। तो प्रोफाइल को हमने बड़ी अच्छे से अभी पिछले 10 मिनट के अंदर हम समझा कि कितना मजबूत प्रोफाइल है, और आप अगर आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है और आप इस इंडस्ट्री से संबंधित हैं तो इतना मजबूत प्रोफाइल और स्टार्टिंग पीरियड में इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज हमारे पास 100+ 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से वेलनेस के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। वेलनेस मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिसको लेने से हम बीमार होने से बच सकते हैं, जैसे हॉर्लिक्स हम बच्चों को देते हैं, च्यवनप्राश देते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो बिना बीमारी के हम देते हैं, ये सोच के देते हैं कि कोई बीमार ना पड़े, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिसको लेने से हम अपने आप को बीमार होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसको आपको विदाउट साइड इफेक्ट वो बीमारी कंट्रोल होगी या जड़ से समाप्त होगी। पर्सनल केयर, केमिकल फ्री पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, क्रीम, फेस वॉश, ऐसे डेली यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और साथ ही साथ अभी जस्ट आज से कुछ दिन पहले हमारा जो एनिवर्सरी था 4 सितंबर को, जो जयपुर में सेलिब्रेट किया है, आज से जस्ट 1 सप्ताह पहले हमारा FMCG प्रोडक्ट भी, कुछ स्पाइसेज और कुछ FMCG प्रोडक्ट भी जिसका संबंध हेल्थ से है, ऐसे प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च कर चुकी है। यानी कि अभी हमारे पास 100+ प्रोडक्ट का रेंज है, जिसमें FMCG, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, वेलनेस, ये पूरा रेंज है, ये सारा रेंज हमारा स्टार्ट हो चुका है।
अब हम लोग मार्केटिंग प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए अलग से मीटिंग हमारी की जाती है, बहुत जल्दी आपको लिंक दिया जाता है। संभवतः कल परसों में ही हमारे नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होने वाली है, तो जैसे ही आपको लिंक मिले आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अलग से अटेंड करिए, क्योंकि प्रोडक्ट एक बड़ा पार्ट है, उसके लिए अलग से 1-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। आज हम लोग प्योरली मार्केटिंग प्लान पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे मार्केटिंग प्लान से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब हम जो मार्केटिंग प्लान मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसमें थोड़ा यूएसपी को भी लेकर मैं पैरेलली बात करूंगा कि आज के मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप मार्केट में मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग प्लान में आप अलग कहाँ है, मार्केट से आप में एक्स्ट्रा क्या है। तो मैं आपको पूरा मार्केटिंग प्लान भी बताऊंगा और पैरेलली ये भी बताते चलूंगा कि हम कहां कहां पर एक्स्ट्रा हैं, हमारी प्लान की यूएसपी क्या है। अगर सेम एफर्ट सेम टर्नओवर आप किसी दूसरे जगह लगाते हैं और सेम एफर्ट टर्नओवर अगर हम आप हमारी हमारी कंपनी में लगाते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहली हमारी यूएसपी है जो है 100% प्योर इथिकल, हमारा ट्रांसपेरेंट जनरेशन प्लान है। कंपनी कोई भी कैरी फॉरवर्ड के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर आप का टर्नओवर में से कंपनी पैसा बचा के नहीं रखती। कंपनी को जो भी बांटना होता है वो हर महीने बांट के खत्म करती है और प्योर इथिकल ट्रांसपेरेंट जनरेशन प्लान है, कुछ भी हिडन नहीं है, बिल्कुल कोई भी पारदर्शिता के साथ कोई भी कैलकुलेट कर सकता है कि कंपनी को जो बांटना है जो बचना है, बिल्कुल वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और जनरेशन प्लान पे आधारित है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे। एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, आप सभी लोग को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन आज फ्री होता है हर जगह पे, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपका केवाईसी आधार पैन बैंक आप देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए अगर आप चाहते हैं सिर्फ कंज्यूमर बनना तो जो आवश्यकता हो प्रोडक्ट लीजिए, आप डिस्काउंट लीजिए, बट आप चाहते हैं कि इनकम लेना चाहते हैं तो आपको पहली बार 1000 BV का आप प्रोडक्ट जैसे ही परचेज करते हैं, बीवी का मतलब है कि जो कंपनी का मार्केटिंग बजट होता है, हर कंपनी की जो एमआरपी होती है, डीपी होती है और उसके बाद बीवी होता है जो आपने सुना होगा पहले, बीवी का मतलब होता है कि कंपनी का जो मार्केटिंग का जो बजट है उसको बीवी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बीवी का मतलब है हमारी जो बीवी है 1 BV बराबर 2.5 से 3 रुपए के आसपास की, 2.5 से 3.5 के बीच में हमारी बीवी होती है, यानी कि 100 रुपए में 40 से 45 BV मैक्सिमम प्रोडक्ट पे हमारे यहाँ मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 BV का मतलब है 2500 रुपए की परचेजिंग से 1000 BV हो जाएगा, या मैक्सिमम पर्सनल केयर वगैरह मिलाकर लेंगे तो 3000 के आसपास जाएगा। तो 2.5 से 3000 रुपए का कोई किट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है किट नहीं दे सकती कोई भी कंपनी, फिर भी कुछ कंपनियां दे रही हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। लगभग 100+ प्रोडक्ट में से आप अपनी पसंद की कोई भी 2500 के प्रोडक्ट होलसेल रेट में, डीपी रेट में आप अपनी पसंद से कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हैं और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अब जो कंपनी ने बीवी तय किया है उस बीवी का जो हमारी यूएसपी है 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है। जनरली आप देखेंगे बीवी का कोई कंपनी 60, कोई 70, कोई 80% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये पहला ऐसा मल्टीलेग और प्योर इथिकल ट्रांसपेरेंट जनरेशन प्लान होगा जो बीवी का 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी जितना मार्केटिंग बजट बीवी के रूप में दिखाया है वो पूरा का पूरा बांटती है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूएसपी होगी बीवी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अब बीवी का 100% डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो अगले 15 मिनट में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। कुल मिला के 10 प्रकार से आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है रिटेल प्रॉफिट। जैसे ही आपकी आईडी लग गई, आपको केवाईसी हो गई, आपको लगभग 15% से लेकर 35% डिस्काउंट करके जीवन भर प्रोडक्ट मिलता रहेगा। आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी लेंगे तो भी आपको होलसेल रेट में ही मिलेगा। 15 से 20% हमारा जो है FMCG के या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पे मिलता है, लेकिन बात जब हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट की आती है तो कम से कम 30 से 35% का डिस्काउंट हेल्थ केयर और वेलनेस के प्रोडक्ट पे आपको मिलता है। यानी कि कोई डॉक्टर है, दुकानदार है, सेल करते हैं, वेलनेस को प्रमोट करते हैं, तो एक अच्छा खासा 30 से 35% मार्जिन उनको बचता है। सेकेंड थिंग जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉयल्टी प्रोग्राम पार्टिसिपेशन। लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे इधर में क्या है, लॉयल्टी में हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बनते हैं, या तो आप रेगुलर हमारा यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट जो है, या आप इसको सेल कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में अमाउंट इतना कम रखा हुआ है कि यूज करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो मात्र 1500 रुपए का प्रोडक्ट अगर महीने भर में आप लेते हैं, 1500 का प्रोडक्ट 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो आप लॉयल्टी प्लान में शामिल हो जाते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या कहता है कि आपको पहली बात तो डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपने 1500 दिया तो 2200 का सामान आपको 1500 में मिला। आप अपनी पसंद का कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। आप अभी हमारे पास डेली यूज के टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, फेस वॉश, मसाले, नमक, ऐसे बहुत सारे
प्रोडक्ट आ गए हैं जिसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर हमारे। तो ये कोई भी सा भी 1500 का प्रोडक्ट अगर आप 5 महीना लगातार लेते हैं, हम कह रहे हैं ज्वाइन करना है इसलिए नहीं लेना है, आप ऑलरेडी ले रहे हैं, आप ज्वाइन करें ना करें किसी ना किसी ब्रांड का तो आपके घर में यूज हो रहा है। आपने पहली बार हमारे कहने पे यूज किया, आपको अच्छा लगा और हर महीने अगर हमारे ही ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं 5 महीने लगातार, तो 6वें महीने सेम अमाउंट का 1500 का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त कंपनी आपको देती है। यानी कि साल भर में 10 महीना पैसा दे के लेना है और साल में 2 महीना कंपनी फ्री में अपने तरफ से आपको गिफ्ट करेगी। 5 महीना पे 1 महीना फ्री, 10 महीना पे 2 महीना फ्री, कहने का मतलब है कि 20% का सीधा लाभ आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप सेल करने में सक्षम हैं तो आप बड़े आराम से समझिए कि अगर आप 15,000 का सामान हर महीना लेते हैं तो 6वां महीना 15,000 का फ्री मिलेगा, यानी कि 30% तो आपको हेल्थ केयर पे मिल ही रहा था, 5 महीना पे 1 महीना फ्री। अगर आप 1.5 लाख का भी हर महीना खरीदारी करते हैं, कोई डॉक्टर है तो 1.5 लाख का उनको फ्री मिलेगा 6वें महीना, यानी कि 30 और प्लस 20, 20% का एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपनी पसंद का कोई सा भी आइटम फ्री वाले में भी ले सकते हैं, कोई हिडन कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये लॉयल्टी प्रोग्राम काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारी जो सेकेंड यूएसपी है 4 लेग्स बेस्ड जनरेशन प्लान। कई बार जब जनरेशन प्लान की बात आती है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पे जो है बाइंड्री ठीक है, बाइंड्री हिडन है या बाइंड्री में प्रॉब्लम आती है भविष्य में, लेकिन 2 लेग है, जनरेशन में बहुत सारे लेग होते हैं। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि यहाँ पे जनरेशन में आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, जनरेशन बहुत आसान है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी जिनको आपने डायमंड के रूप में देखा, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले 2 लेग वाला ही पहले काम किया था लेकिन आज यहाँ पे सफल हो रहे हैं। बहुत आसान है, यहाँ पे 10, 20, 25, 50 लेग का प्लान नहीं है, मात्र 4 लेग का प्लान है। और हमारे प्लान की एक सबसे बड़ी खूबसूरती आपको बताता हूँ, खास करके मैं ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके बीच में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को पहले से जानते हैं। अभी तक आप किसी भी 2 लेग के प्लान में, 2 लेग के प्लान में आपने क्या देखा होगा कि 1 लेग में अगर किसी के 10 लाख का बिजनेस है तो दूसरे लेग में 10 लाख का बिजनेस डालेंगे तभी 10 लाख का बेनिफिट होता है। नहीं तो अगर 1 लेग में 10 लाख का बिजनेस है और दूसरे लेग में आपने 25,000 डाला तो आपको 25,000 की मैचिंग का ही बेनिफिट मिलेगा, ना कि आपका 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, वो बस पड़ा रहेगा, वो कंपनी में पड़ा रहता है। हमारे प्लान में इतनी खूबसूरती है कि हमारे प्लान में जो मैक्सिमम इनकम है वो टर्नओवर पे आधारित है। और हमारे यहाँ पे अगर आपके 1 लेग में 10 लाख है और दूसरे लेग में 25-50 हजार का भी बिजनेस है तो आपको 25,000 के हिसाब से कमीशन नहीं मिलेगा बल्कि होल टर्नओवर के आधार पे पैसा मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी ताकत है, जहां बाकी 2 लेग वाले प्लान में जहां आपकी 2,000 3,000 5,000 की इनकम होती, हमारे यहाँ अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपके हमारे यहाँ 50,000 1 लाख की भी इनकम सेम कंडीशन में हो सकती है। ये हमारे प्लान की ताकत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से यहाँ पे बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुल मिलाकर हमारे यहाँ 12 लेवल है, डायरेक्टर से स्टार्ट होता है, क्राउन प्रेसिडेंट तक जाता है, कुल मिलाकर 12 लेवल है। और आप यहां से 12 लेवल को कंप्लीट जैसे ही करते हैं आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, आपका एक एक लेवल पार होता जाएगा, आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। सबसे पहली जो इनकम हमारी जो टीम से स्टार्ट होती है, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कि कंपनी 27% देती है, बीपी का जो 100% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस 100 में से 27% कंपनी देती है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के नाम जो है अंतर्गत। यहाँ पे जैसा कि आप चार्ट देख रहे होंगे, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे ही आपका 5-0 BV आपकी आईडी जैसे ही लगती है आपका लेवल हो जाता है 5%, 5001 BV जिस दिन होता है आपका लेवल हो जाता है 15%, 20001 BV होते ही आपका लेवल होता है 19%, 40001 BV होते ही आपका लेवल होता है 23%, 80001 BV जिस दिन हो जाता है आपका लेवल हो जाता है 27%। ये एक्युमुलेटिव है, ये लैप्सेशन नहीं होता, यानी हर महीने जीरो नहीं होता, ये आपकी ज्वाइनिंग डेट से जुड़ते हुए क्रम में आगे जाता है। यानी कि अगर आपका एक बार 80,000 BV हो गया, एक बार अगर आपका 80,001 BV हो गया, चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे वो 10 महीने में हो, 1 साल में हो, आप डायरेक्टर बनने ही बनने हैं, आपका लेवल 27% हो जाएगा, ये डिक्रीज नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर 1 महीने में 40,000 BV अगर हम कर पाते हैं, कोई भी जो है अगर 1 महीने में 40,000 अगर हम बीवी कर पाते हैं तो यहाँ पे कंपनी हमको फास्ट ट्रैक से डायरेक्टर बनाती है। और आप जो है 1 महीने में 40,000 BV करते ही उस महीने ही आप डायरेक्ट जो है डायरेक्टर आप यहां से बन जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो इनकम है ये डिफरेंशियल कमीशन है। यहाँ पे यानी कि आपका लेवल यदि 27% का हो गया है और आपकी टीम में किसी का लेवल 5% का है तो आपको 22% का डिफरेंस आएगा। यानी कि आपकी जो 2 लेग होंगी, 4 लेग होंगी, 3 लेग होंगी, 2 लेग से आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है,
3 लेग पे और ज्यादा आएगी, 4 लेग पे आपको सारा बेनिफिट, आपको अगर 4 लेग चलता है तो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्या होता है कि आपकी जो लेग होती है उसका लेवल और आपका लेवल का डिफरेंस आपको मिलता है। सपोज आपका लेवल 27% है और आपकी 1 लेग 5 पे है तो आपको 22% मिलेगा, दूसरी लेग आपकी 15 पे है तो आपको 12% मिलेगा, तीसरी 19 पे है तो आपको 8, अगर कोई लेग आपकी 23 पे है तो आपको 4% उस ग्रुप में जितना टर्नओवर होगा उसका 4% आएगा। इसके बाद हमारी जो अगली इनकम है वो अपने आप में यूएसपी है, तो हम यूएसपी नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। अपने आप में यूएसपी कैसे है, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में सिर्फ यही एक इनकम देती है, ये केवल डिफरेंस इनकम हमको मिलता है जब तक कि हम 5-10 लाख का बिजनेस नहीं कर लेते, जब तक हम सेकंड थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते कंपनी कोई भी हमको फंड बोनस नहीं देती। लेकिन यहाँ पे पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि पहले दिन से विदाउट अचीविंग एनी टाइप ऑफ लेवल, एनी वन लेवल, कोई भी लेवल अचीव किए आपको पहले दिन से अपने टर्नओवर का, ग्लोबल टर्नओवर का, कंपनी के टर्नओवर का 7% की आपको हिस्सेदारी देती है। एक बोनस के रूप में कंपनी आपको 7% एक्स्ट्रा देती है, यानी कि इस इनकम के अलावा, एक्युमुलेटिव के अलावा, आप पहले दिन से बिना कोई लेवल अचीव किए ये इनकम भी ले सकते हैं, जिसका नाम है टीम बिल्डिंग बोनस। ये कैसे मिलता है, ये 7% कंपनी 3 पार्ट में देती है। अगर आपके 2 अलग अलग लेग में पूरे 1 महीने में, हमारे यहाँ मंथली क्लोजिंग होती है, जो भी महीने की लास्ट डेट है 28, 29, 30, 31, जो भी लास्ट डेट होती है क्लोजिंग होती है, तो पूरे महीने भर में अगर आपके अलग अलग 2 लेग से 2500 BV का बिजनेस आया, यानी कि डीपी में बात करें लगभग 6,000-6,000 रुपए का भी सेल 2 लेग से हो गया, तो ये जो इनकम है एक्युमुलेटिव वाला ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कंपनी अपने टर्नओवर का 3% आपको निकालेगी और आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे आपको मिलेगा। अगर हमने 3 लेग से 2500 BV करा दिया तो टर्नओवर का कंपनी 2% और देगी हमें, चूंकि हमने 3 लेग से कराया है तो 2 लेग वाला भी मिलेगा, 3 लेग वाला भी मिलेगा, यानी टर्नओवर में से 5% का हिस्सेदारी के हिसाब से बोनस मिलेगा। और अगर हमने 4 लेग से 2500 BV करा दिया तो हमको 2% और बढ़कर हमें टोटल 7% की हिस्सेदारी हमको मिलेगी, यानी कि ये जो आमदनी होती है इससे कहीं ज्यादा आमदनी हमको टीम बिल्डिंग बोनस से मिल जाती है, चूंकि कंपनी टर्नओवर का है। अगर इधर से 1000 मिला तो समझ लीजिए कि 1000, 1200, 1500 आपको या उससे भी ज्यादा इधर से मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग लेवल पे कम से कम टर्नओवर पे जो रिटर्न हमारे यहाँ मिलता है वो आपको कहीं पर भी दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की इनकम लेने के लिए आपको लेवल चेंज करना होगा। जैसे हमने पहले बताया 12 लेवल है, अभी तक आप डायरेक्टर लेवल पे थे तो आपको पहली और दूसरी इनकम आपको मिल रही थी, अब आगे की इनकम लेने के लिए आपको ब्रॉन्ज बनना होगा। ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना है, आपकी जो 4 लेग है और स्वयं की जो खरीदारी है ये टोटल मिलाकर 80,000 1 BV या 1 महीने में 40,000 BV हुई थी तो डायरेक्टर आप बने थे। अब हमारा जो प्लान है वो सपोर्ट करने के लिए कहता है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम पे आधारित प्लान है कि कंपनी कहती है कि आपके जो 4 लेग हैं या 3 लेग हैं या 2 लेग हैं सबके सबको मिलाकर सबके सहयोग से आप डायरेक्टर बने थे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टीम में जितने भी लेग हैं वो उसको आप डायरेक्टर बनाइए, यानी इंडिविजुअली एक एक लेग में 2-2 लाख का सेल या 80-80 हजार BV आप पूरा करिए, उनको सपोर्ट करिए। तो जैसे ही मान के चलिए आपका 1 लेग डायरेक्टर हो गया, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपका ग्रीन कलर से, ये 4 लेग में से पहला जो लेग है जो कि ग्रीन कलर सा, ये डायरेक्टर हो गया। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्टर के साथ साथ ये 25,000 का करंट बिजनेस भी होना चाहिए, यानी इस लेग से अगर 25,000 BV करंट मंथ में आता है, और बाकी एक बहुत आसान सी चीज है, बाकी तीनों लेग मिलाकर, आपकी हो सकता है 2 लेग खुली हो, 3 हो या 4 हो, तो बाकी के तीनों लेग मिलाकर और स्वयं की खरीदारी मिलाकर 20,000 BV भी हो जाता है तो आप तुरंत ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ कोई भी 2-3 महीना आपको मेंटेन यहाँ नहीं करना होता, आप तत्काल ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसे ही आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं आपको 500 BV अपनी ID पे खरीदना अनिवार्य होगा। बहुत छोटा सा यहाँ पे कंडीशन है कि ब्रॉन्ज बनते वक्त या ब्रॉन्ज के बाद आपको हर महीने 500 BV स्वयं की ID पे खरीदना होगा, 1200 से 1500 की खरीदारी करना अनिवार्य होगा इनकम लेने के लिए, और एक डायरेक्टर लेग से 25,000 और बाकी का लेग मिलाकर स्वयं की खरीदारी मिलाकर 20,000, तो आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई होते हैं। और आपको यहाँ पे 3 इनकम मिलती है, पहली इनकम मिलती है ट्रेवल फंड, कंपनी टर्नओवर का 2% निकाला जाता है, जितने भी ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज से ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में ट्रैवल फंड कंपनी 2% एक फॉर्मूले के आधार पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का है तो 2 लाख कंपनी निकालेगी और जिसका जैसा कंट्रीब्यूशन है कंपनी 2% को 2 लाख को बांट देगी।
उसके बाद लीडरशिप बोनस यहाँ पे कंपनी देती है। लीडरशिप बोनस जैसा कि नीचे लिख रहा है, यू से 5%, लेवल वन से 5 और लेवल दो से 3%। शुरुआत में आप कह सकते हैं ये ग्रुप टर्नओवर पे आधारित ये इनकम है, ये लीडरशिप बोनस ग्रुप टर्नओवर पे आधारित इनकम है, और बाकी सारी जो आगे इनकम आगे हम लोग बात करेंगे वो सारा कंपनी टर्नओवर पे आधारित होगा। तो लीडरशिप बोनस कहने का मतलब है कि आपके ग्रुप से जो भी टर्नओवर आता है लगभग उसका 5% आपके एक्स्ट्रा लीडरशिप बोनस के तौर पे आपको मिलता है, और भविष्य में ये सबसे बड़ी इनकम बनेगी। भविष्य की अगर मैं बात करूं कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 10-20-50 लाख का पे आउट हम लें, तो आपका वो जो भी पे आउट होगा उसमें 50% अकेले लीडरशिप बोनस कवर करेगा इन फ्यूचर। ये बहुत बड़ी इनकम होती है। आगे हम लोग बात करें ब्रॉन्ज बनने पे जो तीन इनकम मिलती है, दो इनकम हमने बात किया, ट्रेवल फंड और लीडरशिप बोनस। ट्रेवल फंड कंपनी टर्नओवर का 2%, लीडरशिप बोनस लगभग आपके ग्रुप टर्नओवर का शुरुआत में 5%। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये परसेंटेज नीचे दिया हुआ है। उसके बाद जो जो तीसरी इनकम है जो अपने आप में एक यूएसपी है, यू कैन गेट गुड इनकम विदाउट साइड मेंटेन। पहली बात, एक तो चार लेग का प्लान है, तो चार लेग में अपने आप लेग की संख्या इतनी कम हो गई कि साइड मेंटेन का बहुत मतलब नहीं है। जो लोग कभी जनरेशन प्लान किए होंगे वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर साइड मेंटेन जो शब्द है इसका मतलब होता है कि जनरेशन प्लान में हमेशा आपको एक्टिव रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि आपकी जो रनिंग लेग से बिजनेस आती है उसके अलावा भी जनरेशन प्लान चाहे कोई सा भी कंपनी हो हमेशा कहता है कि आप नया बिजनेस स्वयं से डालते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो बिना साइड मेंटेन किए भी आपको रनिंग लेग से इनकम देती है, जो कि हमारी ब्रॉन्ज पे तीसरी इनकम है, डेट इज सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस कंपनी टर्नओवर का 8% कंपनी यहाँ देती है, और अगर आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया 25 और 20 तो आपको ये तीनों इनकम मिलेगा, यानी कि ट्रेवल फंड, लीडरशिप बोनस और सुपर एक्टिव बोनस। लेकिन ये सुपर एक्टिव बोनस की एक खासियत है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूएसपी है जो कोई नहीं देता। ब्रॉन्ज बनने पर किसी कारण से मान लीजिए 25,000 या 20,000 में कोई मिसिंग हो गई, 20-15 पे रह गया, 25-20 पे रह गया, तो बाकी जगह पे आपकी इनकम जीरो हो जाती है किसी अदर कंपनी की अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम जीरो नहीं होगी, अगर आपके दो ब्रांचेस से 5,000-5,000 बीवी भी आ गया, 5,000-5,000 बीवी भी आ गया, तो भी आपको सुपर एक्टिव बोनस कंपनी टर्नओवर का 8% आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज सिल्वर डायरेक्टर। ये हमारा थर्ड लेवल है। आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। आपका एक लेग डायरेक्टर हुआ था और साइड से 20,000 हुआ था, तो ब्रॉन्ज बने थे, तीन प्रकार की इनकम आई थी। अब आपके दो लेग डायरेक्टर होंगे और साइड से 15,000 करना। जो दो लेग डायरेक्टर हैं ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये इन दोनों से 25-25,000 होना अनिवार्य होना चाहिए। बाकी के बचे हुए दो लेग और आपकी स्वयं की खरीदारी मिलाकर 15,000 भी होता है तो आप उसी महीने सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, और आपको चौथी इनकम जो पिछली तीन इनकम है वो तीनों मिलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ब्रॉन्ज पे जो इनकम शुरू होती है वो लास्ट लेवल तक मिलती है, चौथी इनकम आपको मिलेगी। टू व्हीलर फंड कंपनी टर्नओवर का 2% और आपको मिलने लगेगा। लीडरशिप बोनस आपको सेकेंड डेप्थ के बाद थर्ड डेप्थ से भी 2% आने लगेगा, और बिजनेस बिल्डिंग 3x बोनस कंपनी टर्नओवर का 8% नया आपको मिलने लगेगा, जो कि विदाउट साइड मेंटेन हमारी बहुत बड़ी यूएसपी है कि आपकी जो तीन लेग है 25-25-15 अगर आप करते हैं तो कुल मिला के 5 प्रकार की इनकम आपको आएगी सिल्वर बनने पे, जो कि ब्रॉन्ज पे 3 प्रकार की आ रही थी। लेकिन अगर तीन लेग से अगर 10-10,000 बीवी भी होते रहता है तो भी आपको ये 8% मिलता रहेगा, और ये जो पिछला जो है सुपर एक्टिव वाला था ये 8%, ये दोनों तो मिलता ही रहेगा। आपकी इनकम आधी हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, जो बाकी जगह जीरो हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो गोल्ड डायरेक्टर है। अगर आपका तीन लेग में डायरेक्टर हो गए, जो कि ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, अब आपके तीन लेग डायरेक्टर हो गए, तीनों लेग ने 25-25,000 बीवी का अलग जो है सेपरेट बिजनेस किया है, चौथे लेग से 10,000 बीवी आप मेंटेन करते हैं खुद की खरीदारी मिलाकर, तो आप गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं। आपकी पांच इनकम सिल्वर, पांच तरह की इनकम सिल्वर लेवल तक मिल रही थी, छठी इनकम चालू हो जाएगी जो है फोर व्हीलर फंड 2% और लीडरशिप बोनस चौथे डेप से भी मिलनी शुरू हो जाएगी, और सातवीं इनकम जो चालू होगी बिजनेस बिल्डिंग 4x बोनस 5%। यानी कि यहाँ पे आप गोल्ड बनते ही 7 प्रकार की इनकम ले रहे होंगे, और इस 4x बोनस की जो जो क्वालिटी है वो चारों लेग से 10-10,000 बीवी भी आता रहेगा, तो भी आप अपने रैंक को क्वालिफाई अगले महीने नहीं भी या किसी महीने नहीं भी कर पाते हैं, 10-10,000 बीवी भी आता रहेगा तो भी आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी। आगे हम लोग बात करते हैं यूएसपी नंबर 5 एट गोल्ड डायरेक्टर्स लेवल। अभी तक मैं बात करूं तो आप में से ज्यादातर लोग जो है कुछ अनुभव रखते होंगे डायरेक्ट सेलिंग का। गोल्ड डायरेक्टर जनरली ये जो गोल्ड का लेवल है किसी कंपनी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे ही आता है।
आज तक आप किसी भी कंपनी में देखिएगा, हम केवल आपको, मैं आपको मैथ्स में टेक्निकली उलझा नहीं रहा हूं कि ये ज्यादा ये कम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि मात्र हमारे गोल्ड लेवल पर केवल हम टर्नओवर का ज्यादा दे नहीं रहे हैं, बल्कि वो पेआउट में दिखता है। हमारे एक लीडर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, सुनील कुमार चौधरी जी, वर्तमान में लाख प्लस का, 1.25 लाख का पेआउट ले रहे हैं, और गोल्ड डायरेक्टर जब आप थे तो 97,798 रुपए का पेआउट लिया था, जो कि अद्भुत है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किसी भी कंपनी में गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे 10, 15, 20, 25, 30 हजार से ऊपर का पेआउट कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ 97,000 का पेआउट लिया हुआ है। ये ताकत है हमारे प्लान की कि शुरुआत के गोल्ड जैसे लेवल पे भी लगभग 1 लाख का पेआउट लोग ले रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो अगला जो रैंक है हमारा, फिफ्थ रैंक है, वो है रूबी डायरेक्टर। आपके जो चार ब्रांचेस थे, चारों ब्रांच में आपके जो डायरेक्टर हो गए, चारों ब्रांच से 25,000 बीवी आ रहा है। अब आपको जो साइड मेंटेन करना है, मात्र 2,500 बीवी का है, वो आप स्वयं से स्वयं की आईडी पे खरीदारी करके भी कर सकते हैं, लोग जनरली यही करते हैं। तो पिछली जो सात प्रकार की इनकम थी जो गोल्ड बनने तक आ रही थी, वो सात मिलती रहेगी और आठवीं इनकम शुरुआत हो जाएगी, जिसका नाम है हाउस फंड। लीडरशिप बोनस आपको पांचवें डे से भी 1% आने लगेगा, यानी रूबी डायरेक्टर बनते ही 8 प्रकार की इनकम आपको आने लगेगी। और रूबी लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं पर भी आज तक आपको 40-50 हजार से ज्यादा का पेआउट आपने नहीं देखा होगा, रूबी लेवल पे आपने नहीं सुना होगा। आप यहाँ सुन के देख के दंग रह जाएंगे, ये मेरा पेआउट है, और हमारे साथ महागुरु जो हमारी आईडी है क्राउन फैक्ट्री के नाम से, रूबी लेवल पे मेरा जो पेआउट था ये जनवरी क्लोजिंग का है, आज से लगभग 7-8 महीने पहले का है, 2,20,596 रुपए का पेआउट मैंने स्वयं लिया हुआ है रूबी लेवल पे। तो ये प्लान की ताकत दर्शाती है कि डेप्थ लेवल पे कंपनी कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा, जो हर किसी भी कंपनी के जो शुरुआत के लोग होते हैं वो बैकबोन होते हैं, जिनके दम पे कंपनी चल रही होती है, और सीनियर लीडर्स का पेआउट निर्भर करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो रेस्पेक्टेड जो एक लेवल है डायमंड, जहां पे पहुंचने के बाद हम ये मानते हैं कि कम से कम आपकी जो आमदनी होगी 50 के नीचे तो कभी सोच नहीं सकते, लेकिन एवरेज आमदनी जो है 1 लाख रुपए के आसपास की एवरेज आमदनी हम ले रहे होंगे, और जो भी आज हम बात करें कि जो हमारी परिवार की जो अपेक्षाएं हमसे होती हैं वो सारी चीजें हम फुलफिल कर पाएंगे और एक शान से हम अपने जीवन को जी पाएंगे। तो डायमंड बनने के लिए क्या करना होता है, आपके जो चार लेग हैं, चारों से डायरेक्टर हो चुके थे रूबी में ही, अब कंपनी कहती है आपकी चारों लेग ओपन हो चुके हैं, अब नया लेग खोलने की जरूरत नहीं है, जो पुराने चार लेग हैं उनकी डेप्थ को बिल्ड करिए, यानी उनको और सपोर्ट करिए, उनके नीचे नीचे बिजनेस और ज्यादा आना चाहिए, यानी कि ये जो चारों लेग हैं, ये चारों लेग से अगर 1-1 लाख बीवी भी चारों से आता है, चारों अलग अलग लेगों से 1-1 लाख बीवी, यानी टोटल 1 महीने में 4 लाख बीवी 3 महीने यदि लगातार आता है, तो आप डायमंड लेवल को अचीव कर जाएंगे। पिछला जो 8 प्रकार की इनकम थी रूबी पे वो मिलता रहेगा, और 9वीं इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फंड। जैसा नाम है वैसा वाकई में आपकी लाइफ स्टाइल होगी, आपके जीवन पे, जैसा आपने देखा सनी जी के जीवन पे एक मूवी बनी है, आपके जीवन पे भी एक मूवी बनेगी जो आपने स्ट्रगल किया है, और ये आप एक रेस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया, आप ग्लोबल हो चुके होंगे, हमारी कंपनी में सब लोग जान रहे होंगे, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड लेवल है, और आपकी आमदनी 1 लाख के पार पहुंच चुकी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से लाइफ स्टाइल फंड आपको टर्नओवर का 4% मिलने लगता है, जो डायमंड एंड एबव के लोगों में बढ़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं डायमंड लेवल पे। मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं डायमंड से ऊपर आ चुका हूं। जब मैं डायमंड था मार्च महीने में, तो मेरा जो पेआउट था 3,08,505 रुपया। मैं क्या बोल रहा हूं कि लगभग 1 लाख के आसपास का, जबकि मैंने स्वयं डायमंड लेवल पे 3,08,000 का पेआउट लिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डबल डायमंड की तरफ। आपकी जो, अब देखिए एक सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा पूरे प्लान को, मैं एक लाइन में, एक पेज में समरी लास्ट में बताऊंगा। अब आप डायमंड बन चुके हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चारों लेग से एक एक आदमी को डायमंड बनाना। वो आदमी आपका डायरेक्ट वाली आईडी भी हो सकती है या उसके नीचे की भी आईडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट वाले को ही हम डायमंड बनाएंगे। हमारे चार अलग अलग लेग में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी एक आदमी डायमंड बन जाएगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपके चार लेग में से मान लीजिए कोई पहला, कोई एक लेग से कोई डायमंड बना, ठीक है, तो आपका लेवल हो जाएगा डबल डायमंड। डबल डायमंड बनते ही आप जो है कंपनी टर्नओवर का 2% आपको डबल डायमंड फंड, और कंपनी टर्नओवर का 1% एनुअल रॉयल्टी, कंपनी के पूरे साल के टर्नओवर का 1% आपको रॉयल्टी के तौर पे आपको साल में एक बार आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ी इनकम होगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दो प्रकार की इनकम मिलती है। यहाँ पे मैं एक जो कंडीशन है क्लियर कर दूं,
फंड लेने के लिए मात्र डायमंड लेक से, जो कि डायमंड 4-4 लाख का बिजनेस 3 महीने करने पे डायमंड बना है यहाँ, लेकिन मेंटेन रखने के लिए केवल 2 लाख रखना होता है। डायमंड लेक से 2 लाख भी आते रहे, जबकि 4-4 लाख तो आया है तभी डायमंड बना है, लेकिन 2 लाख भी आता रहे तो 2% फंड आपको मिलता रहेगा, और बाकी लेक से 50-50 हजार बीवी की जरूरत होती है, और रॉयल्टी, एनुअल रॉयल्टी लेने के लिए आपको डायमंड लेक से 5 लाख बीवी की आवश्यकता होती है, तो आप रॉयल्टी भी आपको प्राप्त होता रहेगा। लीडरशिप बोनस 7th डेप से अभी आपको 0.5% आने लगेगा। जैसे ही दो अलग अलग लेक में डायमंड होंगे, आप डबल डायमंड क्वालिफाई करते हैं, डबल डायमंड फंड 1% और बढ़ जाता है। ये देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, पिछली जो इनकम मैं बता चुका हूं वो बंद कुछ भी नहीं होगा, वो चाहे 10 प्रकार की इनकम हो या 15 प्रकार की इनकम हो, वो सारे मिलते रहेंगे। जो आगे मैं बढ़ रहा हूं, ये नई नई इनकम चालू होती रहेगी। तो आपको ब्लू डायमंड फंड, आपके दो अलग अलग लेग में एक एक आदमी डायमंड हो गया, आप ऑटोमेटिक ब्लू डायमंड बन जाएंगे, आपको ब्लू डायमंड फंड 1% और बढ़ जाएगा आपकी इनकम में, और ब्लू डायमंड की रॉयल्टी, एनुअल रॉयल्टी में 1% शेयर और आपका बढ़ जाएगा। लीडरशिप बोनस आपको 8वें डेप से भी आना शुरू हो जाएगा। आपके तीन अलग अलग लेग में जैसे ही डायमंड होंगे, आपका ब्लैक डायमंड लेवल अचीव होगा, और आपको 1% फंड और 1% एनुअल रॉयल्टी और इंक्रीज कर जाएगा, पिछला मिलता रहेगा, और 9th डेप्थ का भी आपको 0.5% लीडरशिप बोनस आने लगेगा। और लास्ट में बात करूं, इसके बाद जो हमारा जो 10वां लेवल है, चारों लेग में डायमंड हो गए, तो आपको क्राउन डायमंड का लेवल, जो कि 10th लेवल, अभी 2 लेवल और है, आपको 1% फंड और 1% एनुअल रॉयल्टी और बढ़ जाएगी, और आपको 10वें डेप्थ भी से भी आपको 0.5% लीडरशिप बोनस आपके ग्रुप टर्नओवर का आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नंबर 6 जो यूएसपी है, यू गेट टोटल लीडरशिप बोनस अप टू 10th डेप्थ इंक्लूडिंग सेल्फ साइड मेंटेन बाय डायनेमिक कंप्रेस्ड मेथड। आज हम किसी भी कंपनी में, अगर आपने सुना होगा कि 1 करोड़ का भी पेआउट आज कुछ कंपनी के अंदर आ रहा है, तो वह इसी लीडरशिप बोनस की वजह से आता है, जो कि वहां पे 8 से 9 डेप्थ की तक ही दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ 10वें डेप्थ तक दी जाती है, और क्राउन डायमंड बनते ही आप 10वें डेप्थ की लीडरशिप बोनस आप प्राप्त कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं क्राउन एम्बेसडर, जो हमारा 11वां लेवल है क्राउन एम्बेसडर। अब क्राउन डायमंड बनने के बाद आपका अगला काम है, आपकी दो अलग अलग लेग में जिस दिन क्राउन डायमंड एक एक आदमी को आप बना देंगे, आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, 11th लेवल पे आप पहुंचेंगे, डेजिग्नेशन अचीव करेंगे, 1% फंड और 0.5% एनुअल रॉयल्टी और आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही आपको चारों लेग्स में एक एक आदमी को क्राउन डायमंड आप बना देंगे, तो आप लास्ट फाइनल लेवल क्राउन प्रेसिडेंट, जो कि हमारा 12th और आखिरी लेवल है क्राउन प्रेसिडेंट लेवल, को अचीव कर चुके होंगे, और आपकी जो फंड है क्राउन प्रेसिडेंट फंड 1% और क्राउन प्रेसिडेंट की एनुअल रॉयल्टी 0.5% और आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टोटल क्या देखते हैं, हम 1 पेज का आपको मैं समरी बताने जा रहा हूँ। अभी तक जो कुछ भी आपने सुना, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा, आपको पूरा प्लान 1 पेज पे समझ में आ जाएगा। शुरू में जैसा मैंने बताया था, 80,000 एक बीवी आपके पूरे ग्रुप से अगर यदि आता है, या 1 महीने में पूरे ग्रुप से 40,000 बीवी आता है, तो आप डायरेक्टर बनते हैं। उसके बाद आपका काम क्या था, चारों लेग में डायरेक्टर बनाना। चारों लेग में जैसे जैसे डायरेक्टर बनाते गए, एक लेग में डायरेक्टर ब्रॉन्ज, दूसरे लेग में डायरेक्टर सिल्वर, तीसरे लेग में डायरेक्टर गोल्ड, फिर रूबी, और चारों लेग से ही आप बन गए डायमंड, जब 1-1 लाख बीवी 3 महीना मेंटेन किया। अब आप डायमंड बन गए, तो आपकी सेम प्रोसेस को सेकेंड टाइम रिपीट करना था। अब आपको क्या करना था, चारों लेग से एक एक आदमी को डायमंड बनाने में उसकी मदद करनी थी। अब जब चारों लेग में एक एक आदमी को डायमंड बना देंगे, तो आप 6वें से 10वें लेवल पे पहुंच जाएंगे क्राउन डायमंड। अब 10वें लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से तीसरी बार यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 3 बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। आप क्राउन डायमंड बनने के बाद आपको चारों लेग में से एक एक आदमी को क्राउन डायमंड बनाने में उसकी मदद करनी है, और जिस दिन चारों लेग से एक एक आदमी क्राउन डायमंड हो गया, आप आखिरी लेवल क्राउन प्रेसिडेंट आप बन चुके होते हैं। तो ये था टोटल प्लान आज, चूंकि टेक्निकल वे में मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। 7th यूएसपी है कि यहाँ पे हमारी कंपनी में कोई भी हिडन चार्जेज नहीं है। आपकी पैन कार्ड पे जो TDS कटता है, वो जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जो आपके पैन नंबर पे जमा भी हो जाता है, बाद में आप रिटर्न भी ले लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके अलावा कोई भी अलग प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं है, जबरदस्ती का रीपर्चेज वाउचर या एडमिन चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ कोई भी डिडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से मैं, यहाँ पे आपने देखा कि ये टोटल हमारा प्लान था। उसके बाद मैं अगर आगे बात करूं, यहाँ पे कुछ पे आउट्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बोला,
कि मेरी आईडी पे लगभग 32 लाख से ज्यादा मैं पिछले एक साल में अर्न कर चुका हूँ। ये मेरा पिछले महीने का पेआउट है क्राउन फैक्ट्री के नाम से, जो कि हमारे महागुरु जेपी शर्मा सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो 3,40,637 रुपये का हमारा पिछले महीने का पेआउट था। सुनील चौधरी जी जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से थे बजाज एलियांज में, वहां से आज रिजाइन कर चुके हैं और मात्र अभी तक मिलेनियर भी हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। लगभग 12 लाख प्लस की इनकम आप कर चुके हैं और पिछले महीने की जो आपकी आमदनी थी 1,13,000 है। उसके बाद सनी सिंह जग्गी जी, जिनका आपने जिनकी लाइफ पर बना एक फिल्म आपने देखा, डायमंड बन चुके हैं। पिछले महीने की इनकी इनकम थी 1,05,771 रुपया। प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते हैं। विनोद कुमार चौधरी जी मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, सेलिंग का अनुभव रहा है पहले से, लेकिन पहली बार आपने 50,000 इनकम को क्रॉस किया। पिछले 15-20 साल का अनुभव रखते थे और 1,02,805 रुपए का पे आउट यहाँ पर हासिल किया। यहाँ पे आप सफल हैं, यहाँ पे लगभग मिलेनियर आप भी बन चुके हैं। समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। करण को तोमर जी जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बड़े व्यवसायी हैं, आप इंटरनेशनली आप बिजनेस को कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को, उसके अलावा पार्ट टाइम प्रमोट करते हैं और पिछले महीने की जो आपकी इनकम है 87,000 प्लस की है। राहुल मारवाल जी जिनका आपका आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट का बहुत बड़ा व्यवसाय है, आप विदेशों में भी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, पार्ट टाइम आप इंदौर से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से और पार्ट टाइम करते हैं और आप 1,300 रुपए की आपकी इनकम है पिछले महीने की। संजय शंकर मेहता जी जो कि वृतिका जो हमारी मदर कंपनी है, जैसे मैं पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस कंपनी से, वैसे आप भी जुड़े हुए थे, आपका दुकान चलाने का अपना अनुभव था, पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 51,404 रुपए का पिछले एक महीने का पे आउट है। परविंदर सिंह जी पटना से बिलोंग करते हैं, 43,679 रुपए का पे आउट है। स्वाधीन मोदी जी आपका व्यवसाय, आप भी व्यवसायी हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का होलसेल का आपका कारोबार है, आप जो है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आपका पिछले महीने का कमीशन है 33,721 रुपया। अजीत कुमार जी प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते हैं, 32,184 रुपया। नूरुल इस्लाम जी बरपेटा आसाम से बिलोंग करते हैं और आपका पीछे का नॉन बैंकिंग का अनुभव रहा है, पहली बार प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आसाम में हमारे डॉक्टर नेचर को की झंडा को, हमारे झंडा को बुलंद कर रहे हैं, डॉक्टर नेचर को आगे बढ़ा रहे हैं, 23,866 रुपया। डॉक्टर सुजन सरकार जी अमेठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 22,000 प्लस का पे आउट है। निर्जा कुमारी जी पटना से बिलोंग करती हैं, 22,000 का पे आउट है। पौधा ब्रैक जी जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, आर्मी से रिटायर्ड है, रांची से बिलोंग करते हैं, 19,000 प्लस। ऐसे बहुत सारे पे आउट्स हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने दिखाया, जिन्होंने पार्ट टाइम किसी ने फुल टाइम करते हुए आज यहाँ पे मात्र एक साल पहले जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सक्सेसफुली आज अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे अलावा इसके अलावा जो आपने इनकम देखी, कई प्रकार की इनकम देखी, प्रोडक्ट देखा, बहुत सारे ऑफर्स देखे, उसके अलावा हमारा एक ऑफर और चल रहा है नैनीताल टूर। यहाँ पे कंपनी अपने खर्च पे आपको टूर भी कराती है जो कि 5 स्टार की फैसिलिटी आपको मिलती है। कंपनी के खर्च पे हमें घूमने फिरने का और पूरे परिवार के साथ हमको मौका मिलता है अलग अलग जगहों पे। अभी जस्ट हम लोगों ने एक 5 स्टार का ट्रिप करके हम लोग अभी लौटे हैं एनिवर्सरी के मौके पर जो है जयपुर से, और हमारा फिर से जनवरी में हमारा टूर जाने वाला है नैनीताल, जहाँ पे 3 दिन 2 रातों के लिए कंपनी हमें ट्रिप प्रोवाइड कर रही है और छोटा सा कुछ टारगेट दिया हुआ है, ब्रॉन्ज एंड बिलो के लिए अलग है और सिल्वर एंड एबव के लिए अलग है, और ये फुलफिल अगर हम करते हैं 3 महीने के अगले 3 महीने के अंदर तो हमें जो आमदनी हो रही है तो हो रही है, उसके अलावा कंपनी हमें ट्रिप अलग से अपने खर्चे पे कंपनी हमको ट्रिप अलग से प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा कुछ ऑफर्स अभी हमारे सेप्टेम्बर मंथ के कुछ ऑफर अभी हमारे चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए 1,000 बीवी यानी कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का अपनी पसंद का कोई सा भी प्रोडक्ट लेना होता है, और अभी इस महीने ऑफर चल रहा है कि अगर आप जल्द से जल्द आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पसंद का 2,500-3,000 का प्रोडक्ट लेंगे जो कि लगभग 4,500 एमआरपी का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में लगभग 210 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पे एक बिजनेस टूल किट आपको फ्री मिलेगा जिसमें किताब होगा और 50 लीफलेट होगा। और यदि आप अगर 2,500 बीवी यानी कि लगभग 6,000 से 7,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप हमारे यहाँ से परचेज करते हैं एक बार में, तो कंपनी आपको यहाँ पे इम्यून प्लस जूस जिसकी एमआरपी है 960 रुपया, और अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी सीजन भी है, तो ये बिल्कुल अपने तरफ से 960 रुपए का बिल्कुल फ्री देगी, यानी जो 30% डिस्काउंट मिल रहा है 5 महीने पे 1 महीना फ्री मिल रहा है, उसके अलावा ये स्कीम है जो 10 से 15% का सामान हाथों हाथ आपको कंपनी फ्री में दे रही है। उसके अलावा
या अगर हम 5,000 BV कर पाते हैं इस पूरे महीने में, लगभग 12,000 की परचेजिंग, 12 से 15,000 के बीच की परचेजिंग अगर वर्तमान महीने में आप अपनी आईडी पे कर पाते हैं, तो हमको 2 पीस, ये जो 1 पीस मिल रहा है, ये हम जस्ट डबल की परचेजिंग करेंगे, 5,000 BV करेंगे तो ये इम्यून प्लस हमको 2 पीस मिलेगा। साथ ही साथ एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, कंपनी एक दीवाल घड़ी डॉक्टर नेचर ब्रांड का फ्री में देगी, और उसके अलावा 7 दिन का IES यूनिवर्सिटी का कोलाबरेशन है हमारी कंपनी के साथ, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इनके प्रोफेसर्स के द्वारा 7 दिन का एक ऑनलाइन कोर्स आपको कराया जाएगा आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन को लेकर, जहाँ पे आप 7 दिन 6 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, और उसके आधार पे आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन के पर आपको एक सर्टिफिकेट भी, आपको सर्टिफाइड भी आपको किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और कराया जा रहा है पिछले कई महीनों से। तो आप अगर 5,000 BV की वर्तमान महीने में परचेजिंग करते हैं तो ये तमाम तरह के ऑफर के साथ साथ आप इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा 5+1 का भी कुछ प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है, जैसे इम्यून प्लस ड्रॉप जो कि अभी बहुत डिमांडेबल हमारा प्रोडक्ट है, डेली वेलनेस जूस बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अगर 5 पीस लेते हैं तो पिछला सारा ऑफर मिलेगा, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर ये ऑफर आपने टच कर लिया तो आप समझिए 60% मार्जिन को भी आप पार कर जाएंगे बिना नेटवर्क बनाए, केवल परचेजिंग मात्र से। हैंड सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड, नरिसिंग सिल्क सोप, कामदेव चूर्ण, च्यवनप्राश, ऐसे कुछ प्रोडक्ट पे 5+1 का भी ऑफर चल रहा है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपके सामने यहाँ पे पूरे प्लान को मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया कि किस तरीके से आप यहाँ पर सारी इनकम को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट लेवल तक पहुँचते पहुँचते, मतलब आप ये समझिए कि 2-4-5 हज़ार की आमदनी से लेकर आप लाखों रुपए तक पहुँच सकते हैं। मैं बहुत 50 लाख 1 करोड़ की बात नहीं करूंगा, जिस दिन पहुंच जाऊंगा उस दिन बताऊंगा, अभी मैं लगभग 4.25 लाख रुपए मंथली इनकम तक मैं पहुंचा हुआ हूं, तो मैं उसकी बात करूंगा। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का वही एक बड़ा सपना हो, 4 लाख रुपए महीने की आमदनी एक बड़े बड़ा ड्रीम हो आपके लिए। तो यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और हमारे साथ हमारी टीम में कई ऐसे लीडर हैं जो 1 लाख रुपए महीने प्लस की इनकम कर रहे हैं, किसी किसी ने 6 महीने में अचीव किया, किसी ने 8 महीने में अचीव किया, किसी ने 1 साल के अंदर, ये सारा चीज हो रहा है। तो आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मैंने प्रस्तुत की है कि किस तरीके से अगले कुछ महीने में इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यहीं से मैं अपनी प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे समाप्त आपको करूंगा कि यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया कि टेक्निकली अपने पूरे प्लान को शुरू से अंत तक सारी चीजों के साथ मैं आपको बता सकूं, सारे कंडीशंस के साथ साथ हमारी जो यूएसपी है जो मार्केट में हमको अलग बनाती बनाती है वो भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पर। और एक चीज मैं लास्ट में बोल के मीटिंग को एंड करूंगा कि एक बार ये सारा मार्केटिंग प्लान तो है, लेकिन जो प्रोडक्ट है हमारे, जो प्रोडक्ट है, मैं आंख मूंद कर, आप सोचिए कि 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी मैं उस बिजनेस को पार्ट टाइम करके मैं फुल टाइम इधर आ गया, तो वो क्या ताकत थी कि मैंने एक झटके में इतना बड़ा डिसीजन लिया और आज मैं यहाँ सफल भी रहा और हमारे साथ बहुत सारे लोग सफल रहे, क्योंकि मुझे बिलीव था इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर और मुझे बिलीव था इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं 12 सालों से सेल कर रहा हूँ इसके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लाजवाब है। आप एक बार मैं कहूंगा डिसीजन बाद में लीजिएगा, कैरियर में पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे करना है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट यूज करके जरूर देखिएगा, आप करें ना करें लेकिन एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो यकीन मानिए जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को आप जरूर जो है रेफर करेंगे और जरूर आप स्वयं से यूज करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट आपको खास करके हेल्थ केयर की दुनिया में तो आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी जो एक दुर्लभ चीज है जो मैं हमेशा बताता हूँ, हर मंच पे मैं बताता हूँ कि पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसी कंपनी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज से भी परिपूर्ण है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग का कई सालों का अनुभव है, नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने जमीनी स्तर पे किया है, उनको मालूम है कि लीडर कैसे बनते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ एक मैन्युफैक्चरिंग R&D और ये सारा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो मार्केट में आप किसी भी कंपनी में आप देखेंगे अगर कंपनी का मालिक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अगर नेटवर्कर मिलेगा तो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड अगर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड वाला मिलेगा तो उसके मैनेजमेंट को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी। तो ये जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये चीज आपको कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे 1 घंटा जो है यहाँ पे सुनने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली मीटिंग में जहाँ पे हम लोग फिर पूरी प्लान को फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते नेचर।